हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर के बाहर। डीके शिवकुमार जो कर्नाटका के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो निकल चुके हैं दिल्ली आने के लिए। यहाँ पर इस वक्त मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता, जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो आज यहाँ आएंगे। कर्नाटका के बहुत सारे MLAs यहाँ आएंगे, 2 MLAs मेरे आने के बाद यहाँ पहुँच भी चुके हैं। हमने आपको जो स्क्रीन पे आप वीडियोस देख रहे हैं, प्रकाश उकेरी और शिवराज समेत कुछ MLA आ गए हैं और लोग यहाँ पे, गाड़ियाँ आप देख सकते हैं पीछे आ रही हैं, और नेताओं का आना जाना यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसके लिए कि मीटिंग्स आज होनी है और ये तय किया जाने वाला है कि कौन मुख्यमंत्री होगा कर्नाटका का। जब 2 MLA से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उनका मत था कि सीतारमैया यहाँ पे मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उनसे बात करके ऐसा लगा कि सीतारमैया की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है MLA का। हालांकि शाम तक आते आते अब ये बात तय हो जाएगी। अभी एक और नेता यहाँ पर मौजूद है, चेकिंग करके सबको अंदर जाने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस पर जो मौजूद है, तो शाम तक ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होगी कि क्या डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जैसा सूत्र बता रहे हैं, जो MLAs ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, उनका मत ये है कि सीतारमैया की तरफ ये रुझान जा सकता है और सीतारमैया मुख्यमंत्री हो सकते हैं कर्नाटका के। लेकिन अगर सीतारमैया मुख्यमंत्री होते हैं तो डीके शिवकुमार को किस तरीके से कांग्रेस कमेटी और आला कमान के जो नेता हैं वो मैनेज करते हैं, उनकी नाराजगी को रोका जाता है, या फिर डीके शिवकुमार क्या रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखने लायक होंगी। डीके शिवकुमार रास्ते में हैं, वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं किसी भी वक्त। सीतारमैया जैसे सभी नेता यहाँ पर आएंगे और मीटिंग के बाद आज ये फैसला हो जाएगा कि कौन होगा कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी के हरिप्रसाद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, जीत की बधाई, लेकिन डीके शिवकुमार और सीतारमैया के बीच में आपको लगता है एक बड़ा फैसला, इंपॉर्टेंट फैसला, कठिन घड़ी है कांग्रेस के लिए, एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है? कोई कठिन नहीं है, जो कांग्रेस का एक संप्रदाय है उसके तहत हमारा पर्यवेक्षकों ने अपना रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना निर्णय लेंगे जी। जो भी निर्णय आएगा सर, दोनों ही बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है सीतारमैया और डीके शिवकुमार, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा, जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट से भी बता देंगे सीतारमैया की तरफ रुझान ज्यादा है, डीके शिवकुमार नाराज। सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्यूज है, उसमें कुछ ये नहीं है, ताकत नहीं है। कब तक फैसला आने की उम्मीद है? जल्दी फैसला होगा, अपना प्रक्रिया में है, प्रक्रिया खत्म होते ही होगा। सर, बताया जा रहा है कि मनमुटाव की खबरें जो मीडिया में आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? डीके शिवकुमार से बेसलेस झूठी, जिस किसी ने भी ये उड़ाई है, गलत उड़ाई है, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है जी। और शिव चलिए प्रमोद सर, डीके शिवकुमार की जीत बताई जा रही है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, क्या आपको लगता है कि जब फैसला आएगा सीएम जी? प्रतीक्षा कीजिए चुनाव पर। चलिए, प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने साफ साफ तौर पे इनकार किया कि जो भी खबरें मीडिया में आ रही है मनमुटाव को लेके, चाहे वो डीके शिवकुमार और सीतारमैया के बीच में मनमुटाव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के ऊपर चर्चा चल रही है कि भाई किसको सीएम बनाया जाएगा, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता, उनका साफ साफ मना करना है। अभी वो मीटिंग करके बाहर निकले, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी अंदर से मनमुटाव की खबर जो आ रही है वो गलत है। और जैसा आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो रेजिडेंस का मेन गेट है, उसके बाहर मीडिया का इस वक्त बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ है, और हमने आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं की बाइट सुनवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब की फिलहाल अपडेट ये है कि डीके शिवकुमार जो दिल्ली आ चुके हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। 2 बजे का तथाकथित समय वो बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ आएंगे, और उसके अलावा राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता खुद यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और रणदीप सुरजेवाला समेत और भी कांग्रेस के बहुत से बड़े नेता हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं। और लिहाजा जब आप कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो फैसला सुनाया जाएगा कांग्रेस के। हालांकि सभी नेता डीके शिवकुमार और सीतारमैया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आ रही हैं, डीके शिवकुमार की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उन सभी नज़रों को खबरों को सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या फैसला कांग्रेस हाईकमान लेता है कर्नाटका के मुख्यमंत्री को लेकर। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.